हेलो एंड वेलकम टू वी थ्री कार्स। क्या आप जानते हैं कि टिगोर ईवी की टॉक टू वेट रेशो नेक्सॉन पेट्रोल और अल्ट्रा टर्बो से ज़्यादा है, सो इट माइट फील क्विकर ऑफ द मार्क। अगर आप टिगोर ईवी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, रेंज, प्राइसेस और फीचर्स के बारे में बताएंगे, एंड वी विल ऑल्सो टेल यू कि आपको इसका कौन सा वेरियंट लेना चाहिए। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, टिगोर ईवी इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर टिगोर, लेकिन इसके एक्सटीरियर में ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से यू विल बी एबल टू इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन द ईवी एंड पेट्रोल वर्जन। टू स्टार्ट विद, फ्रंट प्लास्टिक ग्रिल पे ट्राई एरो डिटेलिंग और ईवी बैज है, एंड द एयर डैम ऑल्सो हैज ट्राई एरो पैटर्न। ग्रिल के नीचे और फॉग लैम्प्स के अराउंड ब्लू इंसर्ट है, और फॉग लैम्प्स और प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स दोनों का सोर्स हैलोजन बल्ब्स हैं, सो द बीम इज येलो। ओपन द बोनेट एंड ऑल यू सी हेयर इज प्लास्टिक कवरिंग ऑन द मोटर विद जिप्ट्रॉन ब्रांडिंग, और बोनेट की अंडरसाइड पे साउंड डेडनिंग मटेरियल भी है। Move to the side and notice that there's blue detailing on the 14-inch styled steel wheels. It's worth noting कि टिगोर ईवी में 15-inch alloy wheels नहीं आते, जो regular टिगोर के top variant में available हैं. And these 14-inch wheels come with low resistance tires for better efficiency. There's also an EV badge on the left side, but that's all the change here compared to the petrol version. Left side पे ही regular टिगोर की fuel lid की जगह इसमें charging port है, which supports faster charging as well. Door handles और window line पे chrome detailing और shark fin antenna इसके side design के बाकी notable elements हैं. Move to the rear and the changes are limited to the blue detailing on the bumper and EV specific badging. When you open the trunk, you get 316 liters of space, around 100 liter less than the regular Tigor. The reason is इसके boot floor के नीचे battery pack है, जिसकी वजह से spare wheel boot में vertically placed है। ये स्पेयर व्हील रिमूवेबल है और इसे हटा के बूट में 375 लीटर्स की स्पेस मिलेगी, विच इज़ ऑल्सो 44 लीटर्स लेस देन द पेट्रोल टिगोर। एनीवे, वी थिंक 316 लीटर की स्पेस में तीन लोगों का वीकेंड लगेज इजीली आना चाहिए। ओवरऑल टिगोर ईवी डजंट कम अक्रॉस एज अ कार दैट वुड कॉस्ट 13 लाख रुपीज। हाउएवर देर आर इनफ ईवी स्पेसिफिक एक्सटीरियर डिटेल्स के इसे देखते ही पता चल जाएगा दैट इट्स नॉट द रेगुलर टिगोर। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। लाइक इट्स एक्सटीरियर, टिगोर ईवी इंटीरियर डिजाइन इज ऑल्सो सिमिलर टू द रेगुलर टिगोर, सेव फॉर द ब्लू डिटेलिंग अराउंड एयर कॉन्वेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड डायल टाइप गियर सेलेक्टर। इसके डुअल टोन बेज ब्लैक डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, एंड कंसिडरिंग इट्स प्राइस, वी थिंक इसके ग्लव बॉक्स और सेंटर कंसोल की फिट एंड फिनिश बेटर होनी चाहिए। इसका ग्लव बॉक्स कूल्ड है एंड देयर इज इनफ स्पेस हियर टू कीप द ओनर्स मैनुअल एंड अ पेट बॉटल। टॉकिंग अबाउट स्टोरेज स्पेस, तो इसके फ्रंट डोर्स में स्मॉल वाटर बॉटल की स्पेस है, सेंटर कंसोल में कप होल्डर्स हैं, और गियर सेलेक्टर के आगे एक स्टोरेज बिन है जिसमें फ़ोन रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अ 12 वोल्ट सॉकेट नियर हैंड ब्रेक, यहाँ भी एक पावर आउटलेट और USB पोर्ट है। इसके ऊपर ऑटो AC के कंट्रोल्स हैं विद एवरेज बिल्ड कंसिडरिंग द प्राइस। Move up and there's the 7-inch touchscreen infotainment system by Harman, जिसमें Apple CarPlay और Android Auto के connectivity options हैं। इस system का output satisfactory है। Tigor EV के सिर्फ top variant में ही steering mounted controls हैं, but इसका digital instrument cluster access करने के लिए traditional pins हैं। Driver के perspective से height adjustable driver seat और tilt steering adjustment, ये दो important features हैं, and the top variant also gets electrically adjustable and foldable ORVMs, but IRVM में मैनुअल डे नाइट एडजस्टमेंट ही है। इसकी ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है एंड द व्यू आउट इज गुड। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइविंग पोजीशन टू माय लाइकिंग, चलिए अब इसके रियर में चलते हैं। टिगोर के रियर में इनग्रेस ईग्रेस कंफर्टेबल है, और अंदर बैठ के और फ्रंट सीट को 5 feet 8 inch ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे पास इनफ लेग और नी स्पेस है, एंड देयर इज ऑल्सो स्पेस अंडर द फ्रंट सीट टू स्लाइड फीट। इसकी रियर सीट के बेस और बैक पे अच्छा कुशन है, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट इट्स बकेटेड। इसकी वजह से बेस और बैक दोनों पे साइड सपोर्ट भी है। देयर इज ऑल्सो वेल पोजिशन डोर एंड सीट आर्मरेस्ट फॉर कम्फर्ट, और ऑल्दो इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, बट द फिक्स्ड वंस ऑफ अ गुड सपोर्ट।
हमारे अकॉर्डिंग रियर सीट पे दो एडल्ट्स ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से पावर विंडोज, पावर आउटलेट, बॉटल होल्डर और आर्मरेस्ट की फीचर्स हैं। ओवरऑल वी थिंक टिगोर से 10 लाख रुपीज से महंगी कार की फीलिंग एक्सपेक्ट करना गलत होगा। दैट सेड, वी थिंक इसमें 100 किलोमीटर का डेली सिटी ट्रैवल आप कंफर्टेबली कर पाएंगे, वेदर यू आर सिटिंग इन द फ्रंट और एट द बैक। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। टिगोर ईवी की मोटर ऑलमोस्ट 75 पीएस की मैक्सिमम पावर और 170 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इसकी पावर टू वेट रेशियो पेट्रोल टिगोर से सिग्निफिकेंटली कम है, बट इट कैन इजिली क्रूज एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, सो ड्राइविंग एट हाईवे स्पीड्स इज नॉट अ कंसर्न। हाँ, हाई स्पीड पे इसका बैटरी डिस्चार्ज ज़्यादा रैपिड होता है, सो यू वोंट गेट अ 300 किलोमीटर रेंज। अभी तक हमने इसे अराउंड 130 किलोमीटर तक चलाया है इन बोथ ड्राइव एंड स्पोर्ट मोड एंड इन बोथ सिटी एंड हाईवे कंडीशंस विद एसी ऑन, और इसकी बैटरी 60% डिस्चार्ज हो गई है। ऑन दिस बेसिस अगर हम सिंपल मैथ करें तो इसमें आपको 200 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज ऑफर होगी। ऑफ कोर्स नॉर्मल पेट्रोल कार्स के कंपैरिजन में इसकी रेंज कम है, बट इसकी 137 न्यूटन मीटर पर टन की टॉक टू वेट रेशो मोस्ट ऑफ द नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल कार्स से ज़्यादा है, सो नेचुरली इसका पिकअप अच्छा है, स्पेशली इन स्पोर्ट्स मोड जिसमें इसकी एक्सेलरेशन विल पिन यू इन द सीट एंड इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। इवन नॉर्मल ड्राइव में भी परफॉर्मेंस एडिक्वेट है और इस मोड में चलाते हुए यू विल गेट अ बेटर रेंज एज वेल। हमारी ड्राइव पे वाइल क्रूजिंग बिटवीन 60-80 किलोमीटर्स पर आवर, एस मोड में वी कवर्ड 15 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन 5% चार्ज और डी मोड में वी डिड 17 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5% चार्ज। इस पर्सपेक्टिव से डी मोड शुड गिव यू अराउंड 40 किलोमीटर मोर रेंज कंपेयर टू एस मोड। एंड नॉट टू फॉरगेट, इस ड्राइविंग पैटर्न में यू कैन एक्चुअली गेट अ 250 किलोमीटर प्लस रेंज इवन विद द एसी ऑन। टिगोर ईवी के ब्रेक्स भी बैटरी की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, बट इसमें वेरिएबल रीजन नहीं है। स्टिल डी मोड में इट ऑफर्स इनफ डिसेलरेशन के सिटी स्पीड्स में यू कैन यूज इट टू स्लो डाउन कंसिडरेबली विदाउट प्रेसिंग द ब्रेक पेडल। टिगोर ईवी में लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर्स आते हैं एंड आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग देम टू ऑफर लेस ग्रिप एंड मोर रोड नॉइज, बट इस ड्राइव पे मुझे दोनों फैक्टर्स ही बॉदरिंग नहीं लगे, सो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दैट। We also find its ride to be comfortable at most speeds and braking to be confidence inspiring. Overall, I like the performance of the Tigor EV. It feels more engaging to drive than any petrol small car and is comfortable as well. Chaliye ab iske prices aur features dekhte hain. Tigor EV ke entry level XE variant ka price almost 12 lakh rupees hai. Iske alawa ye XM aur XZ Plus variants mein available hai with the top variant priced at almost 13 lakh rupees. कंपेयर टू पेट्रोल AMT Tigor, इसके EV वर्जन की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है। कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल एट 100 रुपीज़ पर लीटर एंड फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल Tigor एट 14 किलोमीटर पर लीटर, Tigor EV को अराउंड 90,000 किलोमीटर चला के आप इस पे स्पेंड की एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ब्रेक इवन कर पाएंगे। हमारे Tigor EV के वेरियंट्स एनालिसिस के बेसिस पे वी थिंक इसका एग्जिट प्लस वेरियंट लेना ही वर्थ है एंड नो अदर वेरियंट। एग्जिट प्लस वेरियंट के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं: projector headlamps, LED DRLs, electrically adjustable and foldable ORVMs, rear parking camera, 14-inch style steel wheels, hill start assist and hill descent control, auto AC, 7-inch touchscreen infotainment system, keyless entry with push button start stop, height adjustable driver seat, rear armrest and rear power outlet. Considering its price, हमारे according Tigor EV के XZ Plus variant में front armrest, auto dimming IRVM, rear AC vents और 15-inch alloy wheels जैसे features भी होने चाहिए। We think these are basic features at this price. चलिए इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। Tigor EV is one of the most affordable modern day personal electric cars at the moment, even if you consider the price of the XZ Plus variant. अगर आप ये कार लेते हैं तो आप साइज, फीचर्स और ड्राइविंग रेंज पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इफ़ यू कंपेयर इट विद अ रेगुलर पेट्रोल सी सेगमेंट सेडान, बट यू कैन सेव मनी ऑन फ्यूल बिल्स। कंसिडरिंग Tigor में 26 किलोवाट आर की बैटरी है, इसे फुल चार्ज करने में यू विल स्पेंड लेस देन 200 रुपीज़ इन दिल्ली, जिसमें यू विल एटलीस्ट गेट 200 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, सो यू आर स्पेंडिंग अराउंड 1 रुपी पर किलोमीटर। फॉर अ पेट्रोल कार विद 14 किलोमीटर पर लीटर एफिशिएंसी एंड पेट्रोल प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ पर लीटर, you spend around 7 rupees per kilometer.
अगर आप 6 रुपीज पर किलोमीटर सेव करते हैं तो टिगोर ईवी लेके अराउंड 90,000 किलोमीटर चला के आप इस पे एक्स्ट्रा स्पेंड किए अराउंड 5.5 लाख रुपीज ब्रेक इवन कर पाएंगे। तो लॉजिकली आपको टिगोर ईवी तभी लेनी चाहिए अगर आपके रेगुलर रन पे इट डजंट गिव यू रेंज एंग्जाइटी एंड इफ यू ड्राइव द कार सो मच कि आप अपनी ओनरशिप में इसे 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चला पाएंगे। और इसी के साथ खत्म होता है टिगोर ईवी का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके टिगोर ईवी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके टिगोर ईवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।